भूकंप का वितरण। सभी भूकंपों का लगभग 68% प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र में आग के छल्ले के रूप में देखा जाता है और यह क्रिस्टल अव्यवस्थाओं और ज्वालामुखी घटना के क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और मध्य महासागरीय क्षेत्रों में इस बेल्ट में कई छोटे और बड़े भूकंप आए हैं। यहाँ पर्वत महाद्वीपों की सीमा के साथ समुद्र में अवसादों के लगभग समांतर चलते हैं, जिसके कारण राहत में तेज विराम होता है जो भूकंप का कारण बन जाता है। उनमें से लगभग 21% मध्य महाद्वीपीय पर्वत बेल्ट में होते हैं, जो अटलांटिक महासागर में मेक्सिको से भूमध्य रेखा के समानांतर तक फैले हुए हैं। अल्पाइन कॉकेशस से भूमध्य सागर कैस्पियन, हिमालयी पहाड़ियों और आसपास की भूमि तक फैले हुए हैं। भारत में भूकंप वर्तमान में मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र और इसकी तलहटी तक ही सीमित है। उन्हें गंगा घाटी में भी महसूस किया जाता है, लेकिन 1868 में महाराष्ट्र टेबलैंड में बांध क्षेत्र में भूकंप एक आश्चर्य था, बहुत बड़ा आश्चर्य था। यह एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जिसे अन्यथा भूकंप से मुक्त माना जाता था। धन्यवाद।